कोरिया जिले की एक महिला मरीज की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार 51 वर्षीय महिला मरीज पंडापारा के आईसीएल कर्मी की पत्नी है। विगत दिनों ही ज्यादा कफ बनने और कमजोरी के कारण महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद ही महिला को 4 अगस्त को अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, लेकिन उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसी दौरान ही स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। इसी को लेकर CMHO डॉक्टर RS सिंगर ने बताया कि शुक्रवार सुबह जानकारी मिली कि अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में पंडापारा के एक मरीज की मौत हो गई है। मरीज स्वाइन फ्लू पॉजिटिव थी। इसके आगे उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू से महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पंडापारा में घर घर सर्वे कर रही है। आज सुबह मुझे जानकारी मिली कि अपोलो हॉस्पिटल में एक पेशेंट पंडापारा की एडमिट थी। जानकारी लेने पर मालूम पड़ा कि इस पेशेंट ने कुछ दिन पहले हमारे यहाँ OPD में दिखाने आई थी, तो डॉक्टर ने उनको एडमिट होने के लिए बोला था, लेकिन क्योंकि SECL एम्प्लॉय थे उनके पतिदेव, उन्होंने बोला कि हमारा टाई अप रहता अपोलो से, अपोलो लेकर के जाएंगे। तो अपोलो लेकर के गए 4 तारीख को ये, और वहाँ इनको स्वाइन फ्लू पॉजिटिव निकला। आज सुबह जानकारी मिली कि उनकी डेथ हो गई। ठीक है, स्वाइन फ्लू पॉजिटिव निकला, सुबह जानकारी मिली पॉजिटिव थे वो, आज रात को डेथ हो गई उनकी। तो जैसे जानकारी मिली वैसे ही हमने अपने ज़िले में एहतियात के तौर पर उनको टीम बना करके पंडापारा भेजा है। सर्वे हो गए, सर्वे से अगर ऐसा लगता सर्दी जुकाम या जो भी लक्षण मिलते हैं अगर हमको स्वाइन फ्लू के, तो उसी से संबंधित उनको संबंधित जो भी प्रिकॉशनरी व्यवस्थाएँ हैं सभी करेंगे उनके लिए। और आगे के लिए हमने अपने अस्पताल में ही सबको अलर्ट कर दिया। एक वार्ड भी हम लोग उनके लिए अलग से आरक्षित बना के रखेंगे। अभी सर्वे होने के बाद कोई सी जानकारी मिलेगी क्या होता है, कितनी कंडीशन विकराल है या कंट्रोल में है या कोई और केस नहीं है। टेस्ट होने के बाद क्लियर होगी पुलिस।